हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वालिटी इंजीनियर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन और उसके आंसर जो कि हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। जो भी डिस्कस करूँगा दोस्तों, आप लोग उसे पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से टॉप मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आता है वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। आपसे पूछा ये भी जाता है कि आपकी कंपनी का पीपीएम क्या है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्वेश्चन है 7QC टूल, 7QC टूल्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से 7 टूल्स हैं, वो उनका कहाँ यूज होता है, कहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे चार्ट बनाते हैं, ये सारे आपको समझने पड़े। जो 7 टूल्स होते हैं उनके नाम हैं फिशबोन डायग्राम, पैरेटो एनालिसिस, हिस्टोग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, PFD, स्कैटर डायग्राम। ये सारे 7QC टूल्स होते हैं जिनके बारे में डीप में स्टडी करेंगे। मैं इसके ऊपर एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, कापा, कापा क्या होता है, कापा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कब इसका यूज करते हैं। कापा का फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये हमें कब करना चाहिए, कब करते हैं, इसके बारे में आप लोग स्टडी करना। हमारा चौथा क्वेश्चन आता है वो होता है कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग। कस्टमर कंप्लेन को कैसे हैंडल करते हैं, अगर मान लो आपके कस्टमर एंड पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके बारे में आप लोग स्टडी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पाँचवा जो क्वेश्चन है वो होता है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका सबसे पहले रूट कॉज निकाला जाता है कि कैसे जनरेट हुआ, कहाँ से आया, क्या ये फिर दोबारा भी आ सकता है, इसके ऊपर क्या करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये दोबारा से नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इसके बारे में भी आप लोग। जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसका नाम है 8D। 8D क्या होता है, 8D आजकल प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल्स माना गया है। हमारा जो सातवां क्वेश्चन होता है वो है लेआउट इंस्पेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑडिट क्या है, प्रोडक्ट ऑडिट क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि जो एक क्वालिटी इंजीनियर होता है वो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। हमारा जो सातवां क्वेश्चन होता है वो है लेआउट इंस्पेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑडिट क्या है, प्रोडक्ट ऑडिट क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि जो एक क्वालिटी इंजीनियर होता है वो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें कि हम बहुत सारे चीज़ें इंस्पेक्शन के बारे में जानते हैं। वो टॉपिक है GDNT, ज्योमेट्रिक डाइमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये क्या होती है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। ड्राइंग से रिलेटेड जो भी सिंबल यूज होते हैं वो सारा इसी से रिलेटेड होते हैं। इसमें 14 सिंबल का यूज होता है, वो सब आप लोग पढ़ लेना, कैसे उसको मेजर करते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है क्वालिटी के कोर टूल कौन कौन से होते हैं, जो 5 कोर टूल्स होते हैं उनके नाम क्या है, वो कब हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल्स
आप लोग पढ़ लेना एक बार। ये टॉपिक पे आप लोगों से डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस ये क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, कितने इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी डीप में। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बाद में जब आप सीनियर इंजीनियर और एम लेवल पे जाओगे तब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मेट को बनाते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन जो है वो है इंस्पेक्शन की नॉलेज और ड्राइंग की नॉलेज। ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, ड्राइंग के हिसाब से आप उसका इंस्पेक्शन कर लेते हो नहीं कर लेते हो, ड्राइंग में क्या क्या लिखा रहता है, पार्ट में कौन सी डायमेंशन कैसे चेक करनी है, वो सब को आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी मिलती रहे।